अब हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो 1993 में पूछा गया है। इसमें दिया हुआ इफ टेन ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन बी देन टेन टू एज इक्वल टू टेन बी। इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स। तो हम लोग यहाँ पे टेन ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है वन माइनस कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन बी। तो यहाँ पे हम लोग वन माइनस कॉस बी इज इक्वल टू जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होता है टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर बी बाय टू और नीचे लिखा हुआ है साइन बी। तो यहाँ पे हम लोग साइन टू थीटा फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाय थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन बी लिखा हुआ है तो साइन बी को हम लोग लिखेंगे टू टाइम्स ऑफ साइन बी बाय टू इंटू कॉस बी बाय टू। तो वन माइनस कॉस बी करेगा पुट हम लोग कितना करेंगे टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर बी बाय टू डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ साइन बी बाय टू इंटू कॉस बी बाय टू। टू टू कैंसिल आउट हो गया साइन बी बाय टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा टेन ऑफ बी बाय टू। मतलब हम लोग के पास आ गया टेन ए इज इक्वल टू टेन ऑफ बी बाय टू। ये एंगल यहाँ पे हाफ एंगल के फॉर्म में दिया हुआ है तो यदि हम एंगल को यहाँ पे डबल करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पता चल जाएगा टेन ऑफ टू ए इज इक्वल टू टेन ऑफ बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टेटमेंट दिया हुआ था कि टेन टू ए बराबर बी होगा या नहीं हम लोग यहाँ से पता चला कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ वो ट्रू स्टेटमेंट है।